स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, और जलवायु में अपन पढ़ रहे हैं मानसून। ठीक है, अपन देखेंगे भी राजस्थान में जो मानसून आता है कौन सी शाखा से आता है। अरब सागर की शाखा से आता है या बंगाल की खाड़ी से आता है? अरब सागर की शाखा ज्यादा बरसात करेगी या फिर बंगाल की खाड़ी वाली ज्यादा बरसात करेगी अपने राजस्थान में? सर्दियों में भी बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? जो राजस्थान में मानसून आता है उसे क्या बोला जाता है? ऐसी चीजों के बारे में अपन जानकारी लेंगे और देखेंगे राजस्थान में कितनी बरसात होती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश है, और कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बारिश कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें करने से पहले अपन मानसून का बैकग्राउंड तैयार करते हैं। मानसून है क्या? जो मानसून है ये मौसम शब्द से मिला है। जो अपना मानसून है मौसम शब्द से बना है, ठीक है, ये मौसम शब्द है, इसे मॉडिफाई किया गया तो बना मानसून। अब ये मौसम क्या है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। मौसम है, मौसम अगर इसके अपन मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है पवनों की दिशा में बदलाव। ठीक है, जो मौसम शब्द है अगर अपन इसके मीनिंग यानी इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है पवनों की दिशा में बदलाव। और एक बात, जो मानसून है ये एक्चुअल में अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। ठीक है, तो जो मानसून है वो क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसे मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से बना है। मौसम का अर्थ है पवनों की दिशा में बदलाव। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब अपन बात करें और आगे से मानसून में। आज अपन मानसून के बारे में भलीभांति जानते हैं भी क्या सिस्टम है मानसून। तो मानसून का अध्ययन किया होगा किसी ने, स्टडी की होगी मानसून पे। ठीक है, फिर उस बंदे ने जिसने भी स्टडी की उसने बताया होगा भी मानसून कोई ऐसी चीज है। सारी बातें तो मानसून पे जो स्टडी की उसे अपन दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट विश्व में, अगर अपन वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अब दिख रहा है मानसून है और मानसून का कर रहे हैं अपन अध्ययन यानी स्टडी कर रहे हैं। तो मानसून की जो स्टडी है वो अपन दो टाइप से देखते हैं। एक तो ऐसा बंदा है जिसने वर्ल्ड लेवल पे इसकी चर्चा की, और एक बंदा ऐसा है जिसने इंडिया लेवल के इसको डिस्क्राइब किया। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया था हिप्पोक्रेटस ने। विश्व में सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, मानसून का अध्ययन वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले किया हिप्पोक्रेटस ने। अगर अपन इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया अल मसूदी ने। ठीक है, याद रखना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए भी मानसून के बारे में सबसे पहले इंडिया में किसने बताया, तो अपना आंसर होगा अल मसूदी। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए मानसून के बारे में सबसे पहले वर्ल्ड में किसने बताया, तो अपना आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखो मानसून में इतना तो पता है बरसात होती है। ठीक है, बरसात सर्दियों में भी होती है, बसंत ऋतु में भी बरसात होती है, तो कहीं ना कहीं मानसून जाके ऋतुओं से कनेक्ट हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भी बरसात होती है, तो थोड़ी बहुत चर्चा अपन पहले ऋतु के बारे में करते हैं। वैसे अपन ने एक दिन इसकी डेफिनेशन देखी थी ऋतु की। ऋतु क्या चीज है? 3 या 4 महीनों की जलवायु, जलवायु सही नहीं रहेगा, 3 या 4 महीनों का मौसम, किसी जगह का 3 या 4 महीनों का जो मौसम है उसे ही बोला जाता है ऋतु। और जलवायु तो प्रोग्राम लंबा हो जाता है, ये तो 30 वर्षों तक का सिस्टम है। ठीक है, तो ऋतु होती है 3 या 4 महीने का मौसम।
या 3 या 4 महीने की उस जगह की दशाएं। दशाएं से मतलब अपना ताप दाब आर्द्रता वगैरह, ठीक है। ऋतु के बारे में बात करते हैं अपन। अब देखो ऋतुएं कौन कौन सी हैं। दिसंबर से स्टार्ट करते हैं अपन। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। दिसंबर से लेके फरवरी तक इसे बोला जाता है शीत ऋतु। शीत ऋतु आपसे पूछ ले दिसंबर से लेके फरवरी तक का प्रोग्राम क्या है, तो है शीत ऋतु, ठीक है। फरवरी के बाद क्या आती है अपनी, आती है मार्च। मार्च, अप्रैल और मई, मार्च से लेके मई तक इसे अपन बोलते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। कई बार इसे गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में भी शामिल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मार्च से लेके मई तक का प्रोग्राम बसंत ऋतु का है, ठीक है। गार्गी पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं ना बसंत पंचमी पे, इसलिए बसंत ऋतु कहना सही रहेगा। इसे मई तक पहुंचे अपन। अब अपन बात करते हैं जून, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जून से लेके सितंबर तक ये प्रोग्राम है, जो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी बढ़ती है, फुल गर्मी, तो ये हो जाएगी अपनी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। आगे अपन बात करें तो सितंबर तक पहुंच गए। आगे अपने बचते महीने अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि अपन दिसंबर से तो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अक्टूबर और अपना एक नवंबर। अक्टूबर नवंबर की अगर अपन बात करें तो इसे बोला जाता है सर्द ऋतु। क्या बोला जाता है? सर्द ऋतु। दोबारा देखते हैं, अपना टॉपिक चल रहा है मानसून। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से बना है, और मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा में बदलाव। अपन ने फिर देखा अभी जो मानसून का अध्ययन है वर्ल्ड लेवल पे तो किया था हिप्पोक्रेटस ने। मानसून का जो अध्ययन है अगर अपन बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे इसका अध्ययन किया हिप्पोक्रेटस ने। अगर अपन इंडिया लेवल पे बात करें तो इसका अध्ययन किया अलमसूदी ने, यानी अलमसूदी को भारतीय मानसून का जनक बोलते हैं। फिर अपन ने ऋतु के बारे में चर्चा की। ऋतु क्या होती है? 3 से 4 महीने का मौसम बोलती है ऋतु। जलवायु तो होती है 30 सालों तक का प्रोग्राम। अपन ने ऋतुओं को डिवाइड किया इस तरह से, दिसंबर से लेकर फरवरी तक तो होगी शीत ऋतु, यानी ठंड, एकदम अच्छी ठंड। मार्च मई में होती है बसंत ऋतु, यानी गर्मी का माहौल सा बनता है यहाँ पे। जून सितंबर में ग्रीष्म ऋतु, अच्छी अच्छी खासी गर्मी। अक्टूबर नवंबर में सर्दी होती है, यानी शीत ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है, फीलिंग आने लग जाती है अभी सर्दी आने वाली है। आगे चलते हैं अपन, वन बाय वन अपन इन ऋतुओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु में अपन ने देखा अपने महीने आते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये सही नहीं चल रहा है, इसका चेंज किया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। मेन टारगेट क्या अपना ऋतु बढ़ने का? इन ऋतुओं में भी क्या बरसात होती है, वर्षा होती है, उसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है। देखो शीत ऋतु में एक वर्षा होती है, सर्दियों में भी शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस वर्षा को बोला जाता है मावठ। क्या बोला जाता है इस वर्षा को? मावठ बोला जाता है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे बोला जाता है मावठ, ठीक है। जो ये शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, शीत ऋतु में जो ये वर्षा हो रही है ये किस कारण होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अभी पश्चिमी विक्षोभ आता कहां पे है? ये भूमध्य सागर में आता है, तो अपन इसे लिखेंगे शीत ऋतु में बारिश। भूमध्य सागर में, शीत ऋतु में बारिश भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे अपन बात करते हैं जो ये मावठ है, जो शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है, ये अपने इंडिया में कौन कौन से स्टेट में होती है, कौन कौन से राज्यों में होती है? तो ये अपने 5 राज्यों में होती है। जो मावठ है 5 राज्यों में होती है।
अब पांच राज्य आए, तो राज्य कौन कौन से हैं? अपना एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक अपना राज्य है पंजाब, एक अपना राज्य है हरियाणा, एक अपना राज्य है राजस्थान और एक अपना राज्य है गुजरात। ये पांच वो स्टेट हैं जहां पे सर्दियों में बरसात होती है और उसे मावठ बोला जाता है, ठीक है। अब एक राज्य इसमें ऐसा है जिसमें अच्छी खासी ज्यादा बरसात होती है सर्दियों में। अगर उस राज्य की अपन बात करें तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। आपसे पूछ लिया जाए मावठ सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होती है, तो अपना आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है तो कहीं पे मिनिमम भी होगी, तो सबसे ज्यादा कम होती है अपने गुजरात में, ठीक है। आई बात समझ में? मानसून के बारे में अपन ने पहले भी देखा था, मानसून पवनों की दिशा में चेंज है। जैसे ये नीचे वाला अपना बेल्ट है इंडिया का, ठीक है। अगर मान लो इधर हाई प्रेशर है HP और इधर लो प्रेशर है, हवाएं ऐसे चलेंगी तो यहाँ पे बरसात होगी। और ये पोजीशन मान लो उल्टी हो जाए कभी, ये सर्दियों में उल्टी हो जाती है, इधर हाई प्रेशर है इधर लो प्रेशर है, तो वर्षा हवा चेंज हो जाती है। ये प्रोग्राम सर्दियों में रहता है, बस इतनी सी तो बात है मानसून की। तो अपन मावठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पांच स्टेट हैं अपने इंडिया के जहां पे मावठ का अच्छा खासा प्रभाव है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में सबसे ज्यादा मावठ है और गुजरात में सबसे कम मावठ है। अब भाई मावठ भी आ गई, जो टोटल पूरे साल में बरसात होती है उसका 10% होती है मावठ, ठीक है। पूरे साल में जितनी बरसात होगी उसका 10% क्या होगी? मावठ होगी। अब देखो सर्दियों की बात चल रही है, तो सर्दियों में कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल होती है ना, गेहूं हो गए, चना हो गए, ये सारी सरसों वरसों, ये सारा प्रोग्राम रबी का ही है, तो रबी की फसल होती है इस टाइम। तो जो रबी की फसल के लिए मावठ क्या है, सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। अब रबी के लिए ही होगी मावठ बेस्ट, क्योंकि इस टाइम रबी की तो फसल है, ठीक है। रबी की फसल के लिए मावठ बहुत अच्छी होती है। अब अच्छी होती है तो इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है, मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है, यानी सोने की बूंदे भी बोला जाता है। दोबारा देखते हैं अपन, शीत ऋतु चल रही है, दिसंबर से फरवरी का प्रोग्राम है। इस टाइम जो बरसात होती है उसे बोला जाता है मावठ। मावठ क्यों होती है? भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो आपको ये वाला नाम आना चाहिए, क्यों होती है वही? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत के कितने राज्यों में होती है? पांच राज्यों में होती है। कौन कौन से हैं साहब? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है मावठ? राजस्थान में। सबसे कम कहाँ होता है? गुजरात में। जो कुल वर्षा है उसका कितने परसेंट योगदान है मावठ का? 10%। कब होता है मावठ? कौन सी फसल के लिए बढ़िया है मावठ? रबी की फसल के लिए बढ़िया भाई। और इसे अन्य क्या नाम है इसका? इसका अन्य नाम है गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है। ये सारी बातें हैं, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन ने एक ऋतु और पढ़ी, उस ऋतु को पढ़ने से पहले एक चीज और देखते हैं। शीत ऋतु चल रही है तो शीत ऋतु में हवाएं भी चलती हैं राजस्थान में। बेसिकली तो अपन राजस्थान ही पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थान से जोड़ते हैं थोड़ा इसे। शीत लहर, शीत लहर नाम से स्पष्ट है भी हवा है। शीत लहर क्या है? हवा। और कैसी हवा? एकदम चिल्ड, ठंडी हवा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं शीत ऋतु में चलने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। ये हवाएं चलती कहां से हैं? ये हिमालय की ओर से आने वाली हवाएं हैं, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवा, ठीक है। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवा क्या है? शीतलहर है। अब अपने इसमें राजस्थान में इसकी डायरेक्शन देखें, दिशा दिशा देख रहे हैं अपन इसकी राजस्थान में। तो इसकी दिशा होगी राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, ये मान लो अपना है राजस्थान, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रोग्राम उत्तर, ये नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा अपना पूर्व और ये अपना पश्चिम,
ठीक है, तो ऐसे आती हैं हवाएं उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम, ऐसे ठीक है। अभी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है, क्या चल रही है? शीतलहर। कहां से आई ये? ये आई हिमालय से, हिमालय से आई। अपने राजस्थान में अगर अपन देखें तो राजस्थान में कहां से कहां तक चली ये? राजस्थान में चली भाई ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है भाई, चल गई। अगर अपन देखें भी राजस्थान के अंदर सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, भी ये हवाएं जब चलती हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ चलती हैं? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चलती हैं ये चूरू में, अपना एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है चूरू, सबसे ज्यादा शीतलहर चलती है चूरू में। अपन ने पढ़ा भी था सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। चूरू को छोड़ दिया जाए तो चूरू के बाद ये चलती है सीकर में, और सीकर को भी अगर अपन इग्नोर कर दें तो इसके बाद आता है अपना बीकानेर, ठीक है। ये तीन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे शीतलहर का अच्छा खासा प्रभाव है, सबसे ज्यादा चूरू में, देन सीकर, और उसके बाद में अपना बीकानेर। आगे चलते हैं अपन, आगे अपन बात करते हैं मार्च मई की, मार्च मई, ठीक है। मार्च के मई के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें क्या सीन रहता है। अब अपन बात करते हैं मार्च मई की, तो मार्च मई में अपन जानते हैं गार्गी पुरस्कार भी मिलता है लड़कियों को, तो यहाँ इस टाइम बसंत पंचमी भी होती है, तो ये क्या है, बसंत ऋतु है, ठीक है। मार्च मई का जो सेशन रहता है वो रहता है बसंत ऋतु का, बसंत ऋतु। अब वर्षा तो इस टाइम भी होती है, इस समय जो वर्षा होती है उसे बोला जाता है प्री मानसून, क्या बोला जाता है उसे, प्री मानसून, ठीक है, यानी मानसून आने से पहले की जो पोजीशन है प्री मानसून, ठीक है। तो मार्च मई के अंदर जो वर्षा होती है उसे बोला जाता है प्री मानसून। अब देखो इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, तो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे भी जो अपना राजस्थान है, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में जो प्री मानसून आता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है दोगड़ा। राजस्थान में प्री मानसून को क्या बोलते हैं, दोगड़ा, क्या बोलते हैं, दोगड़ा, या फिर एक वर्ड आता है दाहिड़ू, दाहेड़ो, ठीक है। तो दो वर्ड याद रखने हैं, राजस्थान में प्री मानसून को क्या बोलते हैं, दोगड़ा या फिर दाहेड़ो, ठीक है, याद रखना क्योंकि अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, आ सकता है। आगे अपन बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की, अगर अपन पश्चिम बंगाल में जाएं तो पश्चिमी बंगाल में जो ये मार्च मई के अंदर बरसात होती है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे वहां पे बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अगर अपन बात करें दक्षिणी भारत की यानी साउथ वाले बेल्ट में, वहां पे इसे बोला जाता है आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। और आगे चलें अपन, अगर अपन केरल और कर्नाटक की बात करें, अपने भारत के दो स्टेट हैं ये केरल और कर्नाटक, ठीक है। केरल और कर्नाटक की अगर अपन चर्चा करें भी यहाँ पे जो बसंत ऋतु में बरसात होती है क्या बोला जाता है उसे, तो इसे बोला जाता है यहाँ पे चेरी ब्लाजम, चेरी ब्लाजम, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अगर अपने से पूछ लिया जाए भी जो अपना असम है, राजस्थान एक अपना इंडिया का स्टेट है, असम, वहां पे क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे जो प्री मानसून होता है उसे बोलते हैं बारदोली छिड्डा, बारदोली छिड्डा, ठीक है, या फिर इसे बारडो चिल्ला भी बोल देते हैं, बारडो चिल्ला, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये तो अपन ने बात की ओनली असम की, अगर अपन इसे पूर्वी भारत में देखें, पूरे पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत अगर अपन बात करें पूर्वी भारत की, तो इसमें बोला जाता है इसे नार्वेस्टर, ठीक है। दोबारा देखते हैं अपन, अपनी चल रही है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में बरसात हुई इसे बोला गया प्री मानसून, ठीक है। प्री मानसून को राजस्थान में बोलते हैं दोगड़ा, क्या बोलते हैं, दोगड़ा। अगर अपन बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में प्री मानसून को बोला जाता है काल बैसाखी। दक्षिणी भारत में इस टाइम आम की खेती की जाती है तो इसे बोला जाता है आम्र वर्षा। केरल कर्नाटक में चेरी बहुत ज्यादा है तो इसे बोला जाता है चेरी ब्लाजम।
असम में बोलते हैं बोर्डो चिल्ला या फिर बारदो लीडा, बारदो ली छिड़ा। पूर्वी भारतीय अगर अपन बात करें तो पूर्वी भारत में से बोला जाता है नॉर्वेस्टर। ठीक है, तो बसंत ऋतु में बरसात हो चुकी है भाई। अब आप आगे चलते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब अपना टारगेट है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ये सही है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, मई तक पहुंच चुकी थी अपनी गाड़ी। तो ग्रीष्म ऋतु की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु रहती है अपनी जून से लेके सितंबर तक। कहां तक रहती है? जून से लेके सितंबर तक। अब भाई ये जो वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे आता है अपने मानसून। इस टाइम जो वर्षा होती है, इस टाइम जो वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है? मानसून। यही पढ़ रहे हैं अपन, मानसूनी। ठीक है, तो मानसून है क्या? सबसे पहले अपन देखते हैं ये शब्द, जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बन हुई किससे है? मौसम से हुई है। क्लास जब स्टार्ट की थी तब अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर अपन देखें ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको जान के खुशी होगी ये अपना अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में मानसून के जनक कौन है, तो अपना आंसर क्या होगा? अल मसूदी, अल मसूदी। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे पूछ ले तो हिप्पोक्रेटस। अब इस मानसून का अर्थ क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ है पवनों की दिशा में बदलाव, पवनों की दिशा में बदलाव। ठीक है, या फिर अगर अपन और इसे आगे लेके चलें तो अपन बोल सकते हैं पवनों की दिशा में परिवर्तन, जो कि जल से स्थल की ओर होता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है। ठीक है, अब पवनों की दिशा में बोल दो या फिर इसे मौसमी हवा बोल दो, एक ही बात है। अगर अपन मौसमी हवा बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी हवा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है ना मौसम, इससे कनेक्ट करने के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं भी मौसमी हवा। मौसमी हवा ही तो है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में जो हवा चलेगी उस हवा की डायरेक्शन अगर चेंज होती है। अब ये जल से स्थल की ओर का क्या मतलब है? तो ये है अपना इंडिया, यहां पे है अपना अरब महासागर, अरब सागर, और यहां पे बात करें तो अपना क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे प्रोग्राम क्या है? हिंद महासागर। ये सिस्टम है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप जानते हो चाइना है, इधर इस वाले बेल्ट में क्या है? चाइना, तिब्बत है यहाँ पे कोई। ठीक है, आप जानते हो तिब्बत का पठार भी है, सुना होगा आपने। तो इस यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर, LP से लिखा है मैंने इसे, लो प्रेशर। अब यहाँ पे लो प्रेशर है तो हिंद महासागर है जो अपना, यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर रहता है। तो जो पवन है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अपन जानते हैं भी जो वायु है, पवन है, राजस्थान की जलवायु जब अपन ने स्टार्ट की थी उस दिन चर्चा की थी इसके बारे में, भी जो हवा है, जो पवने हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो चाइना की तरफ जो तिब्बत का पठार है ना, उस तरफ क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जो हवाओं की डायरेक्शन है वो हिंद महासागर से ऐसी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से चलने लग जाती है हवाएं, और अपने आता है मानसून। ठीक है, अब जो ये मानसून उड़ता है दो भागों में बंटा हुआ आता है, एक तो अरब सागर की शाखा वाला और एक अपना बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, समझ में आ गया होगा भी अपने मानसून आ गया, इस तरह से बनता है सारा प्रोग्राम। आगे चले अपन, तो जो ये मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून आ रहा है ये किस कारण आ रहा है? अपन ने पहले सर्दी में जो सर्द ऋतु अपन ने पढ़ी थी, स्टार्टिंग में शीत ऋतु के बारे में डिस्कस किया था अपन ने, दिसंबर जनवरी और फरवरी वाला प्रोग्राम जिसे अपन ने मावठ बोला था, वो आ रहा था भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगर आपने क्वेश्चन आ जाए भी जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून आता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या नाम है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
ठीक है, जो अपने मानसून आता है वो कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये क्या है इंडिया का, ये दक्षिणी तो है ठीक है, और ये इधर क्या है, पश्चिम है, तो ऐसे तो आ रहा है ये, तो दक्षिण पश्चिम हो गया ना, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये उत्पन्न कहाँ होता है, तो अभी अपन ने डिस्कस किया भी हिंद महासागर में हाई प्रेशर होता है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है, हिंद महासागर से, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भी जो अपने इंडिया में मानसून आता है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो भाई साहब उसकी उत्पत्ति होती है अपने हिंद महासागर से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन और चर्चा करते हैं इसके बारे में, पेज ले लेते हैं इसमें आप, अब देखो मानसून आ चुका है, तो बात करते हैं मानसून की डेट के बारे में, मानसून की तिथि, ठीक है, तिथि यानी तारीख यानी दिनांक यानी डेट। अब एक तारीख तो ऐसी होगी जिसमें ये आएगा, उसे अपन बोलेंगे आगमन, एक तारीख ऐसी भी होगी जिसमें जो आया है वो तो जाएगा भी, उसे बोलते हैं निवर्तन या निगमन भी बोल सकते हैं आप, इसे लिखो निवर्तन, निवर्तन यानी वापिस जाना, एक दिन ही आया और एक दिन इसे चला भी जाना है। आने की अगर अपन बात करें तो अपन एक तरफ तो देखेंगे अपने देश भारत में कब आता है, और एक तरफ अपने देखेंगे अपने देश राजस्थान में, यानी अपना राज्य राजस्थान, अपना जो राज्य है उसमें। तो देश की बात करें तो देश तो अपना भारत ही है, और अपना राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये भारत में कब आता है, अगर अपन भारत में बात करें तो भारत में आता है वैसे भी ये 1 जून को, भारत में कब आया, 1 जून को। अगर आपसे पूछ ले भी जो मानसून है राजस्थान में कब आता है, 15 जून को, ठीक है। अभी ये लोहे पे लाइन नहीं है, 15 जून मतलब 15 जून, 14 जून भी हो जाए और 20 जून भी हो जाए, किताबी बातें हैं ये। भारत में कब आता है, 1 जून को, राजस्थान में कब आता है, 15 जून को, ठीक है। अब भारत में भाई आएगा तो कोई तो जगह होगी ना भारत में, इंटर कहां से होगा, तो भारत में इंटर होता है मालाबार तट से, मालाबार तट, ठीक है। अब मालाबार तट कौन सा है, ये भारत है, ये वाला जो प्रोग्राम है इसे बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। अब अपन राजस्थान में चलें, राजस्थान में कहां से इंटर होगा, तो राजस्थान में इंटर होता है अपना प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, मानसून का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं इसे, तो राजस्थान में कहां से इंटर होता है, बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में कौन है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर से इंटर होता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो इंटर बांसवाड़ा से करना है, सपोज करो बांसवाड़ा नहीं है तो इंटर किधर से कर देंगे, डूंगरपुर से, यानी कुल मिला के मानसून को लाना पड़ेगा अपने को राजस्थान में। आगे बात करते हैं वापिस जाने की, निवर्तन, अब आने वाले को और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तो ये जाएगा भी, तो जब ये जाएगा तो अपने देश से भी जाएगा और अपने राजस्थान से भी जाएगा, देश है और अपना राज्य है, देश अपना भारत है ही। बात करते हैं अपन भारत से कब जाता है ये, अगर भारत से अगर इसके जाने की बात करें तो भारत से चला जाता है 31 अक्टूबर के लमसम, ठीक है। अगर अपन राजस्थान की बात करें, अगर अपन राजस्थान के बारे में बात करें भी राजस्थान से कब जाता है, तो राजस्थान से अपना है जो मानसून चला जाता है 27 सितंबर या फिर लमसम 30 सितंबर, ठीक है। 15 दिन लेट आया था और एक महीना पहले चला गया, अब देख लो आप राजस्थान की स्थिति कैसी है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखते हैं, उससे पहले रिवीजन दे देते हैं इस चीज को। अपन देख रहे हैं मानसून की तिथियां, यानी मानसून कब आता है और कब जाता है। आने की अगर अपन बात करें तो अपने देश भारत में मानसून आता है 1 जून को, कहां पे आता है, मालाबार तट पे आता है। मालाबार तट कौन सा है, ये जो अपना दक्षिणी भारत है इसके ये पश्चिम में नीचे नीचे वाला प्रोग्राम। अगर अपन बात करें राजस्थान की भी, राजस्थान में कब आता है, तो राजस्थान में आता है 15 जून को, कहां पे आता है, बांसवाड़ा में आता है सबसे पहले। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो कहां पे आएगा, डूंगरपुर में। अब जाने की बात करें, अपने देश से ये चला जाता है 31 अक्टूबर को। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से चला जाता है ये 27 सितंबर या फिर 30 सितंबर को। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछ लिया जाए, देश में मानसून सबसे पहले
कहां पहुंचता है, ठीक है, देश में मानसून सबसे पहले, देश में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है? तो अपना आंसर होगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। देश में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ये समथिंग पहुंच जाता है अपना 25 मई को। अब आप सोचोगे भी अपन अभी तो बात कर रहे थे मालाबार तट पे पहुंचता है सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आ जाए भी भारत की मुख्य भूमि पे, भारत की मुख्य मेनलैंड मुख्य भूमि पे मानसून कब पहुंचता है, तो अपना आंसर आएगा मालाबार तट। और सिंपली आ जाए भी देश में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो अंडमान निकोबार। कब पहुंचता है? 25 मई को, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें, ये तो होगी सबसे पहले पहुंचने की बात। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए देश में मानसून सबसे बाद या लेट कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, ये तो था पहले पहुंचना, अब है लेट पहुंचना। तो सबसे लेट पहुंचता है भाई जैसलमेर में। कहां पहुंचता है? जैसलमेर। और जैसलमेर कहां पे है? जैसलमेर है अपने राजस्थान में। और जैसलमेर में अगर अपन देखें कितनी तारीख को पहुंचता है, तो 15 जुलाई को पहुंचता है भाई। कितनी जुलाई को? 15 जुलाई को। आगे चलते हैं अपन। आगे आपसे पूछ लिया जाए मानसून की नेचर यानी प्रकृति, अगर अपन अपने इंडिया से कंपेयर करें या राजस्थान में पूछे मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति क्या है, अपना क्वेश्चन है मानसून की प्रकृति क्या है, तो अपना आंसर होगा देरी से आना और पहले चले जाना, ठीक है। तो मानसून की प्रकृति है देरी से आना और पहले चले जाना, पहले चले जाना, ये प्रकृति है अपने मानसून की, ठीक है। भी देरी से तो आता है और पहले चला जाता है, ठीक। अब अपन आगे से और आगे लेके चलते हैं। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी भी मानसून कौन दो शाखाओं से आता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा भी जो मानसून है वो दो शाखाओं से आता है, तो अपन बात करते हैं मानसून की शाखाओं की। तो मानसून की दो शाखाएं हैं, अब ये दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है अपनी अरब सागर की शाखा, एक तो है अपनी अरब सागर की शाखा, और दूसरी शाखा है इसकी